एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और ये ग्लैम पार्टी आई मेकअप लुक, जो कि आजकल बहुत ज्यादा वेडिंग सीजन चल रही है तो बहुत ज्यादा इसके डिमांड भी है। और ये वाला आई मेकअप लुक मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ क्रिएट करूंगी। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो मैंने अपने आई को अच्छे से प्रेप कर लिया है, उसके बाद मैं ये ब्यूटी गैलरी कलर बोर्ड पैलेट से मैं लाइट पिंक कलर का आई शेडो ले रही हूँ, जिसे मैं अपने क्रीज एरिया पे लगाऊंगी। इस तरह से मैं आउटर कॉर्नर पे रख रही हूँ कलर को, और उसके बाद पूरे क्रीज एरिया पे मैं इस तरह से लेके जाऊंगी इसे। और ब्रश को बहुत लाइट हैंड से पकड़ना है और प्रेशर बहुत ही हल्का रखना है अपने हैंड पे। और इस तरह से मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। थोड़ा थोड़ा मैं अपने ब्रश पे हल्का सा कलर लूंगी और हल्के हल्के हैंड से इसे ब्लेंड करूंगी। आपको एक बार में ही पूरा कलर नहीं ले लेना है, थोड़ा थोड़ा कलर लेके और उसे पहले ब्लेंड करना, फिर उसके बाद कलर लेना है। उसके बाद मैं ये मरून कलर का शेड ले रही हूँ उसी पैलेट की हेल्प से, और जहाँ पे हमारी क्रीज कट हो रही है ना, आईलिड कट हो रही है, मैं वहीं पे लगाऊंगी इस कलर को। आप चाहें तो इस कलर को लगाने के लिए छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं, पर मैं इसी ब्रश से लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड और थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेड मिक्स करके आउटर कॉर्नर पे इस तरह से मैं लगा रही हूँ, और थोड़ा सा इनर की तरफ भी लेके आ रही हूँ, और ऑटो कॉर्नर पे मैं वी शेप में क्रिएट कर रही हूँ। और थोड़ा सा लाइनर की शेप में भी मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। और फिर से मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर का आई शेडो और ली हूँ और उसे अच्छे से मैं लगा रही हूँ और ब्लेंडिंग में कर रही हूँ। फिर से मैंने थोड़ा सा और ब्लैक कलर शेड लिया है और इसके ऊपर लगा के और सारे शेड्स को मैं अच्छे से बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद कट क्रीज बनाने के लिए आपके पैलेट में व्हाइट शेड तो जरूर, हर पैलेट पे व्हाइट शेड होता है, तो आप व्हाइट शेड से इस तरह से कट क्रीज की तरह आप बना सकती हैं। इस तरह से आप आई शेडो की तरह लगा सकती हैं कट क्रीज बनाने के लिए। इसे बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद गोल्डन शेड और ये पिंक शेड मिक्स करके मैं लगाऊंगी। पहले मैं गोल्डन शेड लगा रही हूँ और उसके बाद मैं पिंक कलर का शेड लगाऊंगी ताकि इससे 3D सा इफेक्ट आए। उसके बाद मैं इनके एजेस को मैं अच्छे से फिर से अब ब्लेंड कर दे रही हूँ, थोड़ा ब्लैक शेड और ब्राउन शेड को मिक्स करके। उसके बाद जी मैं पिंक कलर का ग्लिटर लगा रही हूँ आईलिड पे अपने। मैंने लाइनर का थोड़ा सा जगह छोड़ दिया था, वरना वहां पे लाइनर सही से लगता नहीं है। उसके बाद जी मैं लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा लाइनर ड्रॉ करना है, जिस शेप में आपकी आई है उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देना है। उसके बाद जी मैं मेबलिन का मस्कारा लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने कंसीलर स्टिक से मैंने वाटर लाइन पे लाइन कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे व्हाइट काजल भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने पिंक कलर का आई शेडो लेकर लोअर लैश लाइन पे मैं इस तरह से मैं लगा रही हूँ और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ। उसके बाद जी मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ और इनर कॉर्नर को भी मैं हाईलाइट कर दूंगी। उसके बाद जी मैंने आईलैश भी लगा लिया है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइस आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
और आप इस लुक को बहुत इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो आप पहले 2-3 बार ट्राई कर लें और फिर इस लुक को आप क्रिएट करें, आपसे इजिली हो जाएगा।